थोड़ा समय पहला हूँ एटलो बधो बीमार पड़ो के लगभग मृत्यु थवानी संभावना हती, पण आरपीआई ना बधा कार्यकर्ता अने बधा नेताओना कारणे खरेखर मने बीजुं जीवन मळ्युं अने त्यारे मने लाग्युं के जीवननो काय भरोसो नथी। अने जे लोकोए रिपब्लिकन पार्टीमां वर्षोथी काम कर्युं छे, आम तो 4-5 वर्षथी मां विचारतो हतो के आपणे रिपब्लिकन पार्टीना जेनी नेत्रीओ छીનવીને પાર્ટી માટે કામ કરે છે, એમનો કોઈ દિવસ આર્થિક રીતે કોઈ કાંઈ કમાણી કરી નથી, ફક્ત સભ્યો ચાલે છે। આપણે એમને સન્માન કરીએ અને કંઈ ન તો આર્થિક રીતે તો એમને મદદ નથી કરી શકતા, પણ આપણે કમસે કમ એમનું સન્માન તો કરીએ। અને એના માટે 3-4 વર્ષ પહેલાં કાર્યક્રમ પણ રાખેલો, પણ આપણે કમનસીબી કે એ વખતે અરુણ જેટલી સાહેબનું અવસાન થયું અને એ કાર્યક્રમ કેન્સલ થયો, એટલે આપણે ફરીથી આજે આ કાર્યક્રમ કર્યો છે। જે લોકો હોલમાં આડાવડા ફરે છે બધા બેસી રહો, હવે માન્ય આઠવલે સાહેબ પ્રવચન આપે છે, ઉપર નીચે ના થાય, રાહુલ બેસી રહો, બધા મહેરબાની કરીને બેસી રહો, કાર્યક્રમ ચાલુ છે, અહીંયા કંઈ પિક્ચર નથી ચાલતો, તો બધા આપણે ઉપર નીચે થઈએ। તો હવે હું માન્ય રામદાસ આઠવલે સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણને બે શબ્દો કહે છે। ભાઈ અને બહેનો, મને આજ બહુ બડી ખુશી છે, રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયાના કાર્યકર્તાના સન્માન મેરે હાથો સે કરને કા નિર્ણય હાથો મુખ્યજીને લિયા। મેં મુંબઈ સે આયા, आज मुझे जरूर आज का दिन रहेगा मुझे याद, आज का दिन मुझे जरूर रहेगा याद, इसलिए मैं आया हूँ अहमदाबाद। मैं तो सारे देश में चला रहा हूँ अम्बेडकरवाद, मैं तो सारे देश में चला रहा हूँ अम्बेडकरवाद, क्योंकि मेरे पीछे ताकत से खड़ा है अहमदाबाद। तो आज रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने वाले अलग अलग क्षेत्र के एक्टिविस्ट का सम्मान हुआ, और उसके साथ साथ लगातार 20-25 साल से बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा की जो रिपब्लिकन पार्टी है, इस रिपब्लिकन पार्टी में काम करने वाले मेरे नेतृत्व पर विश्वास रखकर बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन आगे ले जाने वाले, अपने फैमिली का ज्यादा विचार ना करके अपने पार्टी का ज्यादा विचार करने वाले, दलितों पर जो अत्याचार होता है इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले, अत्याचार करने वालों को नीचे बिठाने वाले, और जो हमेशा संघर्ष करते रहे
मुझे बार बार अपने जिले में बुलाने का काम करते रहे। जब जब कोई दिल्ली में मुंबई में प्रोग्राम है तब वहाँ मेरे नेतृत्व को मजबूत करने के लिए मेरे ऊपर विश्वास रख कर आए। जब मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जाने का निर्णय लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस वाले करते प्रचार करते हैं, कांग्रेस वाले हमेशा गलत प्रचार करते हैं और इसीलिए राहुल गांधी चुनाव में हारते हैं। तो ये गलत प्रचार करते हैं, संविधान बदलेंगे, नरेंद्र मोदी या बीजेपी बाबा साहब का संविधान बदलेगी, इसी तरह की गलत बयानबाजी की जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में सेंट्रल हॉल में दिल्ली में वहां संविधान का किताब रखकर उस संविधान को माथा टेकने वाले एक ही प्रधानमंत्री थे, कैंडिडेट थे, और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की शपथ ले ली है। बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान इतना मामूली नहीं है। जो भी कोई बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान बदलेगा उनको हम बदल देंगे। हमारी जनता अंबेडकरी जनता, दलित जनता बहुत बड़ी खतरनाक जनता है। जय भीम का जो आवाज है, आवाज बुलंद करने वाले हम सब लोग हैं। हम किस पर अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर अन्याय करते हैं तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत हम लोगों में है। पैंथर की मूवमेंट हमने देखी है, आप लोगों ने देखी है। मैंने दलित पैंथर ऑफ इंडिया पूरे 17 राज्यों में मैंने काम किया था 17 राज्यों में। और यहाँ दलित पैंथर रमेश चंद्र परमार हो, उनके नेतृत्व में वालजी भाई पटेल हो, नारायण होरा हो, कई नेता लोग दलित पैंथर ऑफ इंडिया में रहे, दलित पैंथर के मूवमेंट में रहे। जब अनामत विरोधी आंदोलन भी हुआ था तब यहाँ की दलित जनता ताकत से खड़ी थी। हमने मुंबई में भी बहुत बड़ी रैली निकाली थी। तो पैंथर का एक 50वां वर्धापन दिन पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर मनाया जा रहा है। मैं अमेरिका में था, दुबई में था, थाईलैंड में था, इंग्लैंड में था, तो वहां के अंबेडकराय लोग भी बोल रहे हैं कि दोबारा पैंथर की निर्मित होनी चाहिए, पैंथर का संगठन शुरू करना चाहिए। मैं सोच रहा हूं मैं तो रिपब्लिकन पार्टी चलाता रहूंगा, लेकिन दलितों की सुरक्षा करने के लिए, दलित और सवर्णों को जोड़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन था दलित और सवर्ण एक हो, समाज में समता प्रस्थापित हो, और उस समता प्रस्थापित करने के लिए हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। हम ब्राह्मण का नहीं विरोध करते हैं, और किसी जाति का विरोध करते हैं। हम हिंदू मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं हिंदू मुसलमानों को जोड़ना, हम चाहते हैं हिंदू मुसलमानों को जोड़ना और उनको साथ में लेकर आगे बढ़ना। आगे बढ़ने के लिए हम सब लोगों को ताकत मिलनी चाहिए। और यहां अशोक भट्टी जी तो मतलब हमारे एक्टिव नेता नहीं है, वो कई सालों से मेरे साथ काम करते हैं, अभी तो उनका वेट ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन पहले उनका वेट बहुत कम था, इसीलिए मैंने सोचा कि इनका वेट बढ़ाना चाहिए। और इतना उनका वेट बढ़ गया कि मैंने अभी उनको सलाह दी है कि वेट थोड़ा कम करना चाहिए। तो बीच में वो कभी बीमार नहीं होते हैं, लेकिन बीच में जब मैं मुख्यमंत्री जी के
शपथ ग्रहण के लिए इधर आया था तो अचानक उनको थोड़ी सी तकलीफ हो गई और कुछ दिनों अस्पताल में एडमिट रहे। मेरा टूर पूरे देश भर में होता है। मैं अभी 4-5 दिन पहले अंदमान निकोबार में था, पोर्ट ब्लेयर में था। वह 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद सेना स्थापन करने के बाद अंदमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में गए थे और जब अंग्रेजों की सत्ता वहां थी तब उन्होंने वहां एक अपना देश का तिरंगा झंडा लहराया था 1943 को। उस झंडे को मैं नमन करके भी मैं वहां आया हूं, तिरंगे झंडे को नमन करके आया हूं और वहां नीला झंडा गाड़ कर भी मैं यहां आया हूं। रिपब्लिकन पार्टी में वहां बहुत सभी जाति के धर्म के लोग आरपीआई में आए हैं। वहां बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर एक अच्छा स्टेडियम है, उसके सामने बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत ही बड़ा अच्छा स्टैचू है। जहां भी जाते हैं दुनिया में या पूरे देश में जहां भी हम जाते हैं वहां बाबा साहब अंबेडकर जी का स्टैचू हमें दिखाई देता है। तो सभी जाति के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को मानते हैं। तो आज यहाँ अच्छा प्रोग्राम में रखा गया है कि जिन कार्यकर्ताओं ने रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने का काम किया उनका भी सम्मान और रिपब्लिकन पार्टी को सहयोग देने वाले लोगों का भी सम्मान। एक अलग सा प्रोग्राम आज अशोक भट्टी जी ने रखा है और यहाँ बहुत सारे जो नेता लोग हैं वो हमारे साथ है। हमारे अलग अलग जाति के लोग अपने साथ है, अलग अलग समाज के लोग अपने साथ है और हम सब लोग जो है हम सब लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे जतिन भाई भुट्टा जी, इनका नाम है जतिन भाई भुट्टा, दूसरे का नाम है अशोक भट्टी, भुट्टा और भट्टी। ये एक साथ आए हैं भुट्टा और भट्टी, एक साथ आए हैं भुट्टा और भट्टी। अगर तुम नहीं अच्छा काम करेंगे तो मैं कर दूंगा तुम्हारी छुट्टी। तो मतलब ये जतिन भाई अलग समाज के हैं, मुंबई में रहते हैं, उद्योगपति भी है और उनको हमने यहाँ गुजरात का प्रभारी बनाया है। मतलब अशोक ने जतिन भुट्टा को बनाया है प्रभारी। अशोक भट्टी ने जतिन भुट्टा को बनाया है यहाँ का प्रभारी, इसीलिए मैं अशोक का हूँ आभारी। तो अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी का एक मिशन है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। कानून से सभी जातियां खत्म हो गई है लेकिन आज भी दलित पर अत्याचार होते हैं। मेरा मंत्रालय है 1989 का एट्रोसिटी एक्ट एक बड़ा अच्छा कानून है। जो अत्याचार करेगा उसके ऊपर वो कानून लगेगा, जो अत्याचार नहीं करेगा उसको कोई तकलीफ नहीं है। जान बूझ कर किसी को तकलीफ देने की हमारी भावना नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज को एक करना, भारत यूनिटी बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है। बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है लेकिन भारत को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी हम सब लोगों पर है। और नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं ओबीसी समाज के हैं। पहली बार ओबीसी समाज को प्रधानमंत्री पद मिला है। बाबा साहब अंबेडकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को कभी मंत्रिमंडल में केंद्र के मौका नहीं मिला था।
मुझे नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में मौका दिया है, मतलब मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बार दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका। तो मंत्री पद का विषय नहीं है, हमारी मूवमेंट जो है मूवमेंट सत्ता प्राप्त करने वाली है, और देश में कोई भी ऐसा एक पक्ष नहीं है कि भाई उनकी एकदम अपने बलबूते पर सत्ता आती है। रिपब्लिकन पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन छोटी पार्टी ही बड़े पार्टी को सपोर्ट करती है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। महाराष्ट्र में आपने देखा है कि शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 40 MLA हमारे साथ आए। फिर अजीत दादा पवार ने सोचा कि मैं गाय के लिए पीछे रहूं, राजीव दादा 40 MLA को लेकर हमारे साथ आ गए। अभी कांग्रेस के MLA पूछ रहे हैं हम भी आए क्या उधर, इधर रहने से कुछ फायदा नहीं है। तो हमने बोला है भाई इतने लोगों की हमको आवश्यकता नहीं है, और तुम इधर आएंगे तो मंत्री पद मांगेंगे, तो हमारे पास मंत्री पद अभी है नहीं है, कहाँ से देंगे। तो सब लोग इधर आ रहे हैं, सब लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी मजबूत आदमी है। नरेंद्र मोदी जी एक बार किसके पीछे पड़ेंगे तो उसको छोड़ते नहीं, तो पीछे पड़ने का विषय नहीं है। लेकिन जो सरकार चल रही है, सरकार आपने देखा है कि नेशनल हाईवे अगर आप अहमदाबाद से बड़ौदा जाते हैं तो 1.25 घंटे में आप अहमदाबाद से बड़ौदा पहुंच सकते हैं, बड़ौदा से अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। अभी नागपुर से मुंबई का एक रोड बना है समृद्धि मार्ग, 7 घंटे में नागपुर से मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी अच्छी चलानी चाहिए। ड्राइवर लोग बहुत ज्यादा गाड़ी फास्ट चलाते हैं, और इतनी ज्यादा फास्ट चलाते हैं 7 घंटे के बजाय 1 घंटे में मुंबई में पहुंचते हैं। तो गाड़ी ठीक चलानी चाहिए, कुछ पीने के बाद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नींद आ गई तो किधर तो रुकना चाहिए, वहां सोना चाहिए, लेकिन रात भर गाड़ी चलाते तो कुछ एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन ठीक बात है, रोड की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है, बहुत सारे लोगों के बैंक में अकाउंट खुले हैं, कच्चे घर में रहने वाले लोगों को शौचालय के साथ पक्का मकान मिल रहा है, स्लोली साइलेंटली सब लोगों को मिलेगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी मतलब पक्का मकान मिल रहा है, जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं उनको गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। मेरे मंत्रालय की वेंचर कैपिटल फंड नाम की स्कीम है, 15 करोड़ तक हम पैसा देते हैं, 75%, 8% उसमें इंटरेस्ट होता है। गुजरात में भी स्कीम है, मतलब फॉरेन के लिए लोन मिलता है 15 लाख का, और आपको इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, रशिया में, फ्रांस में या इधर भी अगर आपके बच्चों को एडमिशन मिलता है, MBA के लिए मिलता है, PhD के लिए मिलता है, और कोई शिक्षा के लिए मिलता है, तो उनके लिए 15 लाख रुपए गुजरात सरकार देती है 4% इंटरेस्ट से। मेरे मंत्रालय की स्कीम है, हर साल में 125-150 स्टूडेंट को हम भेजते हैं, 500-600 स्टूडेंट के एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं, और अच्छी प्रगति हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब फॉरेन में जा रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जी, सयाजी महाराज गायकवाड़ जी जो बड़ौदा के वडोदरा के थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कॉलरशिप दी, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर बाहर पढ़ाने के लिए गए, पढ़ने के लिए गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के लिए गए, और तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रॉब्लम ऑफ द रुपये नाम का प्रबंध लिखा था। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस मकान में रहते थे लंदन में,
वहाँ केंद्र सरकार के सहयोग से महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का मेमोरियल बनाया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ आए थे, देवेंद्र फडणवीस जी तब मुख्यमंत्री थे और मैं भी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और मैं भी मतलब उसी प्रोग्राम में था। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत बार जब जब अमेरिका जाता हूँ तब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लाखों स्टूडेंट ने पढ़ाई की, लेकिन एक स्टूडेंट का वहां स्टैचू है और उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू वहां है डॉक्टर भाई साहब अम्बेडकर जी के उपस्थिति में। मैं भी मतलब उस स्टैचू के इनॉग्रेशन के लिए 1995 में मैं अमेरिका गया था, न्यूयॉर्क गया था और अभी मैं कम से कम 12 दिन में अमेरिका में था। जगह जगह पर अपने लोग रहते हैं, लाखों की संख्या में अमेरिका में लोग अपने रहते हैं, 40-50 लाख से ज्यादा लोग अपने इंडिया के वहां रहते हैं, अपने मतलब सभी इंडियन लोग, गुजराती है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, मराठी है, बिहार के लोग है, यूपी के लोग है, साउथ इंडिया के लोग है, बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं। तो दुबई आप जाते हैं तो दुबई की पॉपुलेशन में कम से कम 40-45% अपने इंडियन लोगों की संख्या है। तो हम सब लोगों ने अपने जीवन में प्रगति करने की आवश्यकता है और आज यहाँ हमारी लीलाबेन वाघेला जिनका भी सम्मान हुआ है, लीलाबेन बहुत सालों से महिला विंग का आरपीआई का काम करती है, बहुत एक्टिव लेडी है, भाषण भी अच्छा करती है और अपने समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा दे दिया है। तो लीलाबेन वाघेला भी आज यहाँ मौजूद है, शैलेश शुक्ला जी जो मतलब इनका होटल बहुत अच्छा चलता है, ये बहुत होटल है, बहुत ये होटल बहुत अच्छा चलाते हैं और मैं मेरी पार्टी बहुत अच्छी चलाता हूँ। मुझे होटल चलाने के लिए आता नहीं है, लेकिन शैलेश भाई ने सोचा कि भाई होटल चलाने से फायदा नहीं है, पार्टी भी चलानी चाहिए, वो भी मतलब अपनी पार्टी में आए हैं। मतलब वो दूसरे समाज के है, हाई कास्ट के है, लेकिन वो भी अपने पार्टी में आए हैं। कई लोग अलग अलग जाति के धर्म के लोग रिपब्लिकन पार्टी में काम करते हैं, तो इसी तरह मतलब बहुत सारे नाम है और आज एक अच्छी बात है कि अपनी करिश्मा अशोक भट्टी जिनकी शादी अभी अभी 2 महीना पहले हुई, उनके शादी में मुझे आना था लेकिन मुझे अमेरिका भी जाना था और इनकी शादी में भी आना था, तो मैंने अमेरिका की डेट बोले तय की थी, मैंने टिकट भी बोला नहीं निकाला था। बाद में अशोक भट्टी का फोन आया कि भाई ये तारीख तय की है, तो मैं बोला कि भाई अभी तो मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन जब मैं अहमदाबाद आऊँगा तो बाप के घर में आऊँगा। बाबू भाई राकानी और ये मेहमान बन गए हैं, ये दोनों तो पहले कार्यकर्ता थे, बाबू भाई वहीं से कच्चे के रापर के रहने वाले हैं, उनके गांव में उनकी खेती भी है और बाबू भाई बहुत ही दिलदार आदमी है, मतलब उन्होंने अपने पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो उनकी शादी बहुत अच्छी रही। मुझे रिपोर्ट मिला कि बहुत सारे लोग उसमें आए थे, तो आज करिश्मा उधर मुंबई में है, करिश्मा कपूर और इधर अहमदाबाद में करिश्मा भट्टी और गए अभी राकानी बन गए ना, हाँ ये करिश्मा भट्टी और राकानी, मतलब ये और इन्होंने आज का एक सूत्र संचालन बहुत अच्छा उन्होंने किया है। हमारे राजू भाई टांग जी जो बीजेपी के नेता है वो भी मतलब आज उनको भी मतलब उनका सम्मान किया है। जब मैं इलेक्शन के प्रचार में आया था तब हमारे आप हमारे साथ हमेशा रहे और राजू भाई और बाबू भाई भवान जी जो मुंबई के उद्योगपति हैं वो भी बीजेपी में काम करते हैं,
तो आप लोग हमारे साथ हमेशा रहे। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे अली भाई मारू जी हमारे मुंबई से यहाँ आए हैं, नाजुकराव खांडेकर कई सालों से हमारे साथ है, वो मतलब कलाकार भी है, वो कलाकार इसलिए वो महाराष्ट्र से आए हैं, मतलब महाराष्ट्र में ज्यादा कलाकार लोग होते हैं, तो वो भी इधर आए हैं। राजू ताइली जी भी हमारे मराठी भाषिक है, और भी कई नेता लोग यहाँ आए हैं, राजेश भाई गोयल भी ये भी यहाँ मौजूद है, हमारे दिलीप भाई भी यहाँ मौजूद है, श्रद्धा बेन है, तो ऐसे कई सभी लोग आए, अभी नाम भी मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग आज इधर आए हैं, और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोगों का सम्मान मेरे हाथों से करने का मौका मिला, जिन्होंने मेरी लीडरशिप को डेवलप करने का काम किया है, घर घर में जाकर गांव गांव में जाकर मेरी लीडरशिप इनकी अच्छी है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन चलाने वाले हमारे नेता बहुत एक्टिव है, ये बात अपने गाँव गाँव में घर घर में जाकर बताई, और कई लोग अपने पार्टी में आए, सभी जिलों में रिपब्लिकन पार्टी का यूनिट है, उनका सम्मान मेरे हाथों से करने का एक अलग सा आनंद था, और आरपीआई को सपोर्ट करने वाले भी अनेक लोग हैं, उनका भी सम्मान करने का मौका आज यहाँ मिला, तो आज ज्यादा सभी लोगों के भाषण नहीं हुए, लेकिन भाषण की आवश्यकता नहीं थी, सम्मान देना बहुत बड़ा जरूरी था, और भी अपने मिशन को और भी आगे मजबूत करने के लिए आप लोगों को सम्मानित करना बहुत बड़ा जरूरी था, इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सब लोग इधर आए, बहुत बड़ी अच्छी बात है, और रिपब्लिकन पार्टी के आदेश के नाते मैं आप विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपने समाज के लिए काम करता रहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन आगे बढ़ाता रहूँगा, मेरे हाथ में जो नीला झंडा है नीला झंडा कभी नहीं छोड़ूंगा, पर कोई भी मेरे पास आएंगे तो भी मैं नीला झंडा तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो उनके हाथ में मैं नीला झंडा दे दूंगा, इसलिए तो इसलिए ठीक बात है, तो नीला झंडा तो अपने पास सही है, मेरा किसी भी पार्टी से अलायंस हो मैं बीजेपी के साथ अभी हूँ, तो नीला झंडा लेकर मैं वहाँ हूँ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं जिसके साथ रहता हूँ उनके साथ मैं मेरे रिलेशन अच्छे रखता हूँ, और नरेंद्र मोदी जी और पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग मेरा भाषण सुनते हैं, मैं जब भी कोई प्रदेश में भी जाता हूँ वहाँ भी लोग बोलते हैं भाई हम यूट्यूब पर तुम्हारा भाषण सुनते हैं, मैंने बोला हर बार यूट्यूब पर मत सुनो, मेरा भाषण सुनने के लिए अहमदाबाद आ जाओ, तो यूट्यूब में बहुत सारे लोग भाषण सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो मुझे बोलते हैं कि भाई आपका भाषण बहुत हमको अच्छा लगता है, मैंने बोला कि खाली मेरा भाषण आपको अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ क्या, तो ठीक बात है, इसलिए हम मेरा काम में करते रहता हूँ, मैं किसी के विरोध में ज़्यादा नहीं तो बोलता हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करता हूँ, दलित समाज को न्याय देने की बात करता हूँ, दलित और सवर्णों को जोड़ने की मैं बात करता हूँ, दलित आदिवासी ओबीसी जनरल कैटेगरी के लोगों को न्याय देने की मैं बात करता हूँ, किसानों को खेत मजदूरों को कामगारों को सफाई मजदूरों को महिलाओं को नौजवानों को न्याय देने की मैं बात करता हूँ, और इसीलिए मैं आज इधर आया हूँ, तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप पूरे गुजरात से अनेक जिले से आज लोग आप इधर आए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और हम ये मिशन आगे चलाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और गुजराती भाषा बहुत अच्छी भाषा है, और मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी ने गुजराती विंग भी शुरू करी है, और इसीलिए आज हमें बहुत बड़ा आनंद है तुम्हारे बीच में मैं मुंबई ना आवे छे,
थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, जय गुजरात। બધા પોતાની સ્થાન ઉપર જ બેસી રહે છે। માન્ય રામદાસ આઠવલે સાહેબ અમદાવાદ આજે પધાર્યા છે, તો રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા ગુજરાત પ્રદેશ તરફથી આપણે એમને એક મોમેન્ટો આપી, એક સ્મૃતિ ચિહ્ન આપી આજે। हम देखो हम देखो।